जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अब तैयारी हो रही है हमारे नए फ्लाग की, आज हमारा चूज़ा आने वाला है, तो आपको दिखाते हैं कि बुरादा वगैरह डाल रहे हैं, इधर कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने सारी का टोटल डाल दिया है, अब इसको लेवल करेंगे, लेवल करके ब्रीडिंग हॉल बनाएंगे, ब्रीडिंग हॉल बना के फिर चूज़ा रिसीव करेंगे। आज हमारा चूज़ा है, इधर तो देखिए ये हमने बुरादा डाल दिया है, थोड़ा रहा कंप्लीट हो जाएगा, चूज़ा आएगा हमारा। तो दोस्तों अभी चूज़ा आ गया हमारा, चूज़ा हमने रिसीव कर लिया है, माशाल्लाह चूज़ा ज़बरदस्त है, अच्छा चूज़ा है और एवरेज भी अच्छी है। ब्रूडर हमने चलाया था रात को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मौसम रात को ठंडोती है, तो अभी ब्रूडर हमारा नहीं चल रहा है, पंखा हमारा एक चल रहा है मैनुअल, दिन में क्योंकि थोड़ी धूप होती है और हल्की सी गर्मी टाइप की होती है। ये देखें चूज़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है, कोई साइजिंग वगैरह नहीं है चूज़े में, KNS का चूज़ा है। चूज़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है, कोई कमज़ोर चूज़ा, कोई साइजिंग नहीं है, सब एक्टिव चूज़ा है। एक पंखा हमारा चल रहा है मैनुअल अभी, वो ये सामने ये देखे माशाल्लाह, पहला दिन चूज़ा होता है तो इस तरह का इकट्ठा होता है, वो हल्का टेम्परेचर पर हमने इतना हाई नहीं रखा है, थोड़ा नॉर्मल है टेम्परेचर, चूज़ा सही है, हमारा माहौल अंदर अच्छा है। तो दोस्तों हर एक वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बनाऊँगा, रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए जिसमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे या कुछ भी, सारी आपको एक वीडियो में बताऊंगा, चूज़े में कितने पंखे चलाते हैं, कैसे माहौल रखा जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। कोई चूज़ा पानी पे लगा हुआ, कोई प्लेटें लगाई हुई है हमने, 400 प्लेटें लगाई हुई है। जगह भी खुली दी हुई है ताकि चूज़ा अच्छी तरह घूम फिर ले, ताकि फीड वगैरह खाएगा तो जितना भागेगा इतना सेहत सही रहेगी, इसकी जर्दी जो अंदर होती है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि अगर नहीं है वो ख़त्म होती है फिर इकोलाई के मसले बनते रहते हैं। इस वजह से थोड़ी जगह ज़्यादा दी हुई, तो ठीक है दोस्तों, इतनी वीडियो के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे अपना यूट्यूब।